मेरे ख्याल से कैपिटल वेस्टिंग ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक होगा। टाइम कंज्यूमिंग तो है अभी, और क्वेश्चन सुनो, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आए, आज करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, उसमें और टाइम लगेगा, पर इतना है कि यार समझ में आ जाए बहुत है हमारे लिए। इंस्टीट्यूट इतना भी बड़े क्वेश्चन नहीं देगा कि आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, कितना टाइम होता है 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए? 18 मिनट। तो 18 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट है, चाहे उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चल जाएगा उतना, मैं क्लास के बाद देख लेता हूँ होमवर्क। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली नया क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखा, ए लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेस ऑफ अ मशीन विच विल परफॉर्म सम ऑपरेशन विच आर एट प्रेजेंट परफॉर्म बाय वर्कर्स। जो काम वर्कर्स से ले रहे थे, अब हम लोग मशीनरी से काम करवाएंगे, और आपके पास दो मॉडल अवेलेबल है, मशीन एक्स मशीन वाई। मशीन एक्स कितने का आएगा? 1.5 लाख। मशीन वाई 240। इसकी लाइफ कितनी है? 5, और इसकी है 6। तो आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, अब फायदा क्या है और कितना एक्स्ट्रा लग रहा है वो बताइए। आपको सोचना, सोच यहाँ के एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर एनम, मतलब अगर हम मशीन खरीदते हैं तो साल भर का खर्चा कितना है? 7,000, और इसमें 11। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल पर एनम, ये भी ठीक है। एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप, ये क्या चीज है? इतना तो यार दिमाग चला ही सकते हो ना आप लोग। चलो कोई बात नहीं, आ रहा नहीं आ रहा बाद में। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन करने का खर्च। एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजेस, मतलब वेजेस को लेना पड़ता ना, अच्छा वर्कर्स को। अच्छा एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं भी ना ऑडिट पे गया था, तो वहां भी ना वर्कर्स जो है ना, जो मटेरियल है ना उसका बहुत वेस्टेज करते थे, फिर मशीनरी लगाई गई, तो मशीनरी से जो वेस्टेज होता था ना मटेरियल का, वो बच गया। हाँ ये गुड इवनिंग बेटे, ये स्क्रैप का मतलब स्क्रैप वैल्यू नहीं होता है। स्क्रैप का मतलब होता है आप पहले वर्कर से काम लेते थे तो वो काम गड़बड़ करते थे, तो वो जो आपका पैसा बर्बाद हो रहा था वो बच रहा है। और भाई साहब जिन्होंने स्क्रैप का मतलब स्क्रैप वैल्यू बोला है, ये परेनम का मतलब क्या बोलते हैं? अच्छा बाद में ठीक है। तो ऐसा है कि जो काम मशीन से हो रहा, सॉरी जो वर्कर्स से हो रहा था वो मशीनरी से होगा, मशीनरी इतने की आएगी, और कितना सेविंग्स होगा अगर मशीनरी से काम करवाते हैं, और कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा ये बता सकते हो, आराम से बताना। यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं कि अगर हम मशीनरी से काम करवाते तो सेविंग्स कितने का हो रहा है, जरा बताओ कि कौन कौन सा आएगा सेविंग्स? 10,000 और 90,000, ये बचेगा। पर मशीनरी की वजह से कुछ जाएगा भी तो यार, हर साल कितना कितना जाएगा? हर साल का 7,000 खर्चा, और 6,000 भी खर्चा, और 12,000 भी खर्च। तो इसमें से सेविंग्स में से एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो शब्द आएगा, उस शब्द का नाम क्या रहेगा? और अच्छा नेट कैश, और बोलो कोई बात नहीं, बहुत आपको पता नहीं है, पहली बार सुन रहे हो, थोड़ा सा संभाल लेना। इसको बोलते हैं CFBT। हद हो गई,
कैश फ्लो बिफोर टैक्स, ठीक है। अब इससे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर जैसा करते हैं वैसे करेंगे। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज कौन से मेथड से? एसएलएम, टैक्स का रेट दिया 30%। क्या मांग रहा है? एआरआर मतलब पैट निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड एज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, मतलब ये क्या मांग रहा है? प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड मतलब एनपीवी मांग रहा है या आईआरआर मांग रहा है, क्या मांग रहा है? प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, पीआई, पीआई ना यार, इंडेक्स बोलेगा तो पीआई ही समझना, पीआई। क्या एनपीवी निकालना है? नहीं। क्या सीएफएटी की जरूरत पड़ेगी? हाँ, इसमें और डिस्काउंटिंग रेट 3.79 और 6 ईयर का, 5 साल का और 6 साल का दिया हुआ। काम करें हिम्मत से। तो क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सी एफ ए टी, वर्किंग आउट नंबर। कैलकुलेशन ऑफ सी एफ ए, होमवर्क जो है वो क्लास के बाद डिस्कस करूंगा मैं। कितने साल का प्रोजेक्ट है पहला वाला? 5 साल, तो 1 2 3 4 5। सुनो, 1 2 3 4 5 ऐसा आएगा कि एक ही बार लिख ले सीएफएटी। क्वेश्चन ये है कि सीएफएटी हर साल का अलग अलग आएगा कि एक जैसे? हर साल का पर है ना, मैं हर साल का एक जैसा, लेकिन डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीबी मेथड होता तो अलग अलग आता। रोक दिया मैंने आपको, चलो तो एक काम करते ना यार, यहां मशीन एक्स और वाई लिख देते तो साथ साथ हो जाएगा। एक्स वाई, तो सबसे पहले क्या लिखा जाए? सेविंग्स लिख दूं क्या? सेविंग्स कितना कितना है भाई? इन वेजेस इन स्क्रैप, इन वेजेस 10,000 और नहीं 90,000 है। वेजेस में कितने का से? 90,000 और 1,30,000, और इन स्क्रैप दस हजार और 15,000, और लास्ट बैच के बच्चे इसको स्क्रैप वैल्यू बोलते थे। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने पर नहीं लोगे। अच्छा, इसी में से लाइन क्यों खींचे? इसी में से माइनस कर देंगे कॉस्ट, यहीं क्या ही माइनस कर देते टेंशन। कौन कौन सा है? मेंटेनेंस है, इनडायरेक्ट मटेरियल है और सुपरविजन है। एक साथ जोड़ के बोल दो ना, टेंशन खत्म हो जाएगा। टास्क 25,000 और दूसरे का 35,000। क्या आपको पता है कि कहां से आया है 25 और 35? क्या ये लास्ट तक पता रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट ये, हाँ कहीं लिख लेना भाई, तो फिर मुझे कॉल करोगे, मेरा फोन उठता नहीं। बेटी नब्बे हजार माइनस 10,000 माइनस 25,000 कितना? 75,000।
75,000 और 1,00,000 माइनस क्या करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन 150,000 डिवाइडेड बाय 5 इसका वैल्यू है क्या कर दो 10,000 माइनस है ना कितना आ जाएगा 30,000 और 240,000 डिवाइडेड बाय 6 40,000 तो ये जो आएगा इसका नाम रहेगा पीबीटी 75 माइनस 30 45,000 और 60,000 माइनस क्या करोगे टैक्स और टैक्स का रेट है 30% 13,500 18,000 देखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31,500 और 31,500 ठीक है इसमें वापस क्या ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कितना कितना है जी 30,000 और 40,000 तो ये आ गया हमारा CFAT 65,500 और का नाम है CFAT अभी क्या निकालना ARR और ARR के लिए हमें चाहिए PAT और एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा कितना ही आएगा डिवाइड किससे करोगे इन्वेस्टमेंट तो चलो करते कैलकुलेशन ऑफ एआर कौन सी मशीन अच्छा एक बात बताओ यार हमने पहले ही डिसाइड किया है इसको किस बेसिस पे करना ऑन दी बेसिस ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट की एवरेज इनिशियल की एवरेज मतलब अच्छा गुड 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 ठीक निकालो कितना है 31,500 डिवाइडेड बाय 150,000 21% लेकिन 42 भी तो लिखा है 42 किधर से आया क्या होगा सुनो एवरेज निकालना पड़ेगा आप कह रहे हो एवरेज मैंने बताया ना ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय दोनों मेथड से सॉल्व करना मैंने ये बोला था अच्छा वो 75,000 हो जाएगा हाँ 150,000 डिवाइडेड बाय 2 ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल इन्वेस्ट फॉर्मूला ARR डिवाइडेड बाय एवरेज पैट डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100 सबसे पहली मशीन कौन सी है एक्स बोलो पैट कितना आया था 31 है ना डिवाइडेड बाय क्या करोगे भाई 1,00,000 इनटू 100 कितना परसेंट आया ऐसी मशीन वाई
machine by 42,000 divided by 2,40,000 into 100. On the basis of average machine. Average investment is equal to cost plus salaries divided by 2. X और Y का average investment निकल लेते, 150,000 plus 0 divided by 2 25,000 और बाई का कितना जाएगा 240 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 120,000। यही ARR भी निकाल लेता हूँ, 31,500 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 100 42% आ जाएगा और 42,000 डिवाइडेड बाय 120,000 इनटू 100 कितना परसेंट 35। सिर्फ इतना ही निकालना है कि और कुछ मांगा। Evaluate बोला मतलब एक होता calculate और एक होता evaluate। Evaluation का मतलब हमें decision देना है, decision देना पड़ेगा और decision के हिसाब से कौन सा machine खरीदे ARR के हिसाब से कौन सा अच्छा X, क्योंकि उसका ARR ज्यादा है। चाहे आप इसके basis पे लो चाहे इसके, तो लिख लेते हैं machine X is better due to higher ARR। अभी क्या मांगा इसके बाद PI। चलो PI निकालते, PI के लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, नहीं एक लाइन में करेंगे यार क्यों इतना टाइम ही नहीं। कैलकुलेशन ऑफ पीआई, सबसे पहले बात करेंगे मशीन एक्स। एक्स का मुझे चाहिए एक तो पीवीसीआई, बोलो हर साल का सीएफईडी कितना है यार, 61,500 और 61,500 इंटू कितना परसेंट रेट, कितने साल है इसकी लाइफ, 3.79। तो बताओ पीवीसीआई कितना आ गया 2,33,08 5, तो पीआई यही निकाल लेते 233,085 और मशीन कितने की है 1,50,000, तो पीआई आ गया 1.5।
5539 चलो चार डिजिट में। ऐसे ही कौन सा करेंगे मशीन बाय, हर्षल कितना 81 82,000 फैक्टर 4.354 3570 28 डिवाइडेड बाय मशीन कितने की थी यार ये 240 PI कौन सी अच्छी इसका PI ज्यादा है बस वो लिख लीजिए इक्विवेलेंट पीआई में इक्विवेलेंट कर ही नहीं सकते हैं। अगर एनपीवी निकालना हो तब एनपीवी मांगा नहीं है उसने। हाँ इसमें तो पूरा के पूरा कैश फ्लो ले रहा है और यहाँ तो आपको तो कितना कितना लगा कि कितना कमा रहे हो बस। अगर एनपीवी होता ना तब हम इक्विवेलेंट करते तो बस इसमें इतना ही करना। कौन सा अच्छा पीआई में हमको इक्विवेलेंट देखने की जरूरत नहीं है। लिखा है सब सब 1.4876 ठीक है यहाँ लिख लो पीआई कौन सी मशीन बेटर है। मशीन एक्स इज बेटर ड्यू टू हायर पीआई। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क। वो सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस में दूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 वैसे ही है एक जैसा। याद रखना कि इसमें आपसे पेबैक पीरियड भी मांगा है। अब कैसे करोगे वो आप देख लेना होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है वही सेविंग्स लिखा है वही एडिशनल कॉस्ट लिखा है तो आप कर लोगे मुझे ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। कुछ अच्छे क्वेश्चन करने का दिल कर रहा है मतलब मजा आ जाए सर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर एट अब ये है एक्चुअल में कैपिटल क्वेश्चन। अभी तक टाइम पास हो रहा है एक हाँ दस नंबर का है। एक बात अच्छे से समझ लेना जब भी इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आप इसकी समरी बनाते हुए चलना लिखते हुए चलना नहीं तो बार बार क्वेश्चन में घुस के देखना पड़ेगा क्या लिखा था करके ठीक। तो लिखा है एक्स लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट विद अ प्रोजेक्ट लाइफ 8 साल। तो हमारे काम की चीज क्या मिल गई हमको लाइफ 800। The project is to be set up in special economic zone. ये क्या चीज होता है SEZ? अच्छा टैक्स वैक्स का रेट कम लगता है। ये लो खुश टैक्स फ्री सब्सिडी। कितना रुपया मिल रहा है गवर्नमेंट से 25 लाख। गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रहा है मतलब हमारी इनकम हुई सब्सिडी। मतलब क्या होता है सब्सिडी मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट और सब्सिडी एक ही बात है क्या? अभी पूछूंगा सब सारी बातें पूछूंगा।
सब्सिडी हमको 25 लाख रुपए मिल रही है, 25। कैपिटल इन्वेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बोले कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो भी करोगे ना उस पर सब्सिडी मिल रही है 25 लाख की, और इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट कितना है 1,75,00,000। कॉस्ट ऑफ मशीन बोल सकते हैं 1,75,00,000। ठीक, सवाल ये है कि हमने कोई मशीनरी खरीदा 1,75,00,000 की और गवर्नमेंट ने हमको सब्सिडी कितने दे दिया 25 लाख, इसी के लिए दिया है, तो एक्चुअल में ये हमको पड़ा कितने का? पक्का डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 1,75,00,000 पे कि 1,50,00,000? मशीन कितने की है 1,75,00,000, गवर्नमेंट से कितना मिल गया 25, है कितने की? डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, कुछ आपके अकाउंटिंग कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है ये भी बताना, ठीक है मैं बात करूंगा, गवर्नमेंट ग्रांट की बात कर रहे हो, आगे 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 बढ़। फिक्स एसेट के लिए, अगर आपको फिक्स एसेट्स के लिए वो मिला, डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए सब्सिडी मिल रही है, उसका ट्रीटमेंट आपको अच्छे से पता है, मैं उस मैटर पे बात नहीं करूंगा, अभी आगे बढ़। एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्ट 12,50,000, हद हो गई, ये तो लग ही रहा है मशीन, उसके अलावा और एक मशीन लग रही है, मजा आया। कब खरीदना है? विल बी परचेस एट द एंड ऑफ 3rd, ये लिखते हुए चला मैं बता रहा हूँ, दिक्कत में पड़ोगे 3rd ईयर में। सर अच्छे डिजाइन बनाए, रफ वर्क है, कैसे भी लिखना लिख लो, 3rd ईयर में एडिशनल मशीन खरीद रहे, कितने रुपए की? 12,50,000। ठीक है, यहां तक ठीक है। एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स द ओरिजिनल इक्विपमेंट हैव नो रिसेल वैल्यू, इसका कोई रिसेल है कि नहीं? स्क्रैप वैल्यू इसका 0, इसका बोला है ना, बोलेगा, बट एडिशनल इक्विपमेंट कैन बी सोल्ड 1,25,000, इसका स्क्रैप वैल्यू दिया है 1,20,000, ठीक, स्क्रैप वैल्यू। अच्छा ये बताओ, ये जो है इस पे टोटल मशीन की लाइफ कितनी है? 8 साल। इस पे डेप्रिसिएशन कितने साल का लगेगा? 8 साल तक। इस पे भी तो लगेगा डेप्रिसिएशन, कितने साल? 5। अच्छा 3rd ईयर के एंड में, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 5 साल, ठीक है, ठीक है सर। और ये बाकी रह गया था वर्किंग कैपिटल भी लगेगा, ओह मजा आ गया क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा? 20 लाख। कब लगेगा? आखिरी में तो रिलीज होता है, नहीं भी बोलता, लगा कब? शुरू में लग जाएगा, ठीक, वर्किंग कुछ नहीं बोला तो शुरू में। द प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ठीक है। सेल्स वॉल्यूम ओवर 8 ईयर्स हैव बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोस, भाई आप प्रोडक्ट बनाओगे तो कितना यूनिट से बनाओगे और बेचोगे, तो पहले साल कितना यूनिट? 72, सेकेंड ईयर 1,08,000, फिर 2,60,000, फिर 2,70,000 के ऊपर कुछ लिखा है, मतलब चौथे और पांचवे मिलाकर, कि चौथे में अलग और चौथे में 2,70,000, पांचवे में 2,70,000, अच्छा दोनों मिलाकर, मतलब चौथे और पांचवे साल दोनों मिलाकर 2,70,000 यूनिट से बेचा, आप ऐसा बोल रहे? तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सुन रहा हूं आप लोगों से कि आपकी ओपिनियन तो जानू,
साल होगा तो वहां पर 2002 साल के लिए आगे वाले में देखोगे तो 180 है, 8 मतलब आप ये कहना चाहते हो कॉमन सेंस से कि चौथे साल 270 और पांचवे साल 270, छठवे साल 180, सेवंथ ईयर में भी 180 और एट्थ ईयर में भी 180। ये तो आप आखिरी में डिसाइड करेंगे ना, पहले पढ़ तो ले। आपको क्या, आपका मन क्या बोल रहा है? अलग अलग तो अलग अलग, जो मैं आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आगे बढ़ते अलग अलग ही है, अलग अलग। तो आपको लग रहा है कि सीए इंटर में एक ही अटेम्प्ट होता है? सेलिंग प्राइस कितना है पर यूनिट? मतलब यार एक यूनिट 120 का बेचेंगे, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60%। आपको पता है कि सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कुछ आता है, उसका नाम होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। सीधा कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना परसेंट? 40% कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं 40%। सीधा कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे और उसमें से अगर फिक्स कॉस्ट होगा तो वो माइनस है फिक्स कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब डेप्रिसिएशन फिक्स होता कि वेरिएबल? और अगर WDV मेथड हो तो भी फिक्स होता है। क्वेश्चन ही बेकार था। तो बोले ये जो फिक्स है, फिक्स ही होता है, बोले इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन अलग से माइनस करना। बोले फिक्स कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हर साल का कितना रुपए? 18 लाख। ये लाइन तो आपकी जान लेने वाली है। द लॉस ऑफ एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द सब्सिक्वेंट टू ईयर्स। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, इस साल का सेट ऑफ नहीं करना है। मान लो कोई बिजनेस है ही नहीं है, आने वाले साल अगर प्रॉफिट होगा तो इस साल का लॉस उसमें सेट ऑफ। टैक्स का रेट कितना है? 30%। और डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना है आपको? 12%। और डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? SLM। और सिर्फ आपको NPV निकाल, और फैक्टर दिया हुआ। हाँ जी, क्वेश्चन कहाँ से चालू करें? TFAT पहला वर्किंग नोट तो निपटाते हैं, फिर देखोगे वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ CFAT। सही है ना? ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड भी है क्या? थर्ड भी है, सॉरी एक लाइन और है। वही तो मैं सोच रहा हूँ, एक साथ ही लेते ना यूनिट्स, तो फोर्थ में भी उतनी है, फिफ्थ में भी उतनी, पांच कॉलम है। आप अलग अलग भी ले सकते हो, पर फिर आपका फिर पेपर बाकी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस 3, 4 to 5 और 6 to 8। ठीक, तो सबसे पहले यूनिट्स तो लिख ही लेते हैं यार, है ना? यूनिट्स $72,000, 1,08,000, 2,70,000, 2,60,000। अब यहाँ कितना जाएगा? 2,00,000। और 1,08,000
80,000 ठीक, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं, यहाँ कंट्रीब्यूशन टोटल में लिख देंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओ 120, एक पर यूनिट निकाल रहे ना, 120 × 40% 48, तो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 48, तो हमको ज्यादा लाइन नहीं लगेगी, फिर 72 × 40 कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई, यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹34,56,000, ₹51,84,000 1 crore ठीक है, एक बस एक गलती नहीं लग रही, सुनो 270,000 दोनों साल का है कि एक साल का है, मुझे बताओ ये 270,000 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 270,000 दोनों साल का मिलाकर बोल रहे हो कि चौथे साल का भी 270 और पांचवे साल का भी 270 अलग अलग, तो यहाँ यूनिट सम को 270,000 लिखना चाहिए कि 270,000 × 2 लिखना चाहिए, स्वाभाविक बात है, यहाँ देखो मैं आप समझ नहीं पा रहे, मैं समझाता हूँ, सुन लो अच्छे से, ये जो 7,000 रुपया है ये एक साल का है कि पांच साल का, एक साल का, और हमें लिखना कितने का चाहिए, पांच साल का, तो यहाँ 7,000 × क्या होना चाहिए यार, पांच, भाई बारीकियां सुनो क्वेश्चन की, सुनना मैं आपसे इससे क्या बोल रहा हूँ, सेविंग इन वेजेस लिखा 90,000, बोलो 90,000 क्या पर एनम है, ये तो एक ही साल का है, पर टोटल सेविंग कितने साल का हो रहा है, पांच साल का, तो क्या यहाँ इंटू फाइव लिखना चाहिए था, तो वहां भी तो आखिरी में करेंगे ना बच्चे बात समझने की कोशिश करो, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ चौथा पांचवा, तो यहाँ चौथा और पांचवे साल का फैक्टर ले लेंगे ना दोनों का मिलाकर, हाँ आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, दिक्कत यह है बस, थोड़ा सा मैं ऐसा देखता हूँ तो आपको तो अच्छा आंसर ही चेंज कर देते, हाँ सर चलो कोई बात नहीं, तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया, उसमें से क्या माइनस करोगे, फिक्स कॉस्ट, हर साल का कितना है 18,00,000, हाँ कैश डेप्रिसिएशन बाद में करेंगे, 18,00,000 पर यहाँ कितना आएगा 18 ही आएगा है ना 18,00,000 फिर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 वो लंबा है, तो ये जो आया इसका नाम बोलो CFBT, और अभी आत क्लास के आते ही अजीब अजीब से नाम बोल रहे थे, नेट सेविंग और क्या क्या नाम बता रहे थे भाई 34,56,000, 18,00,000 मुझसे आगे जा नहीं सकते, मैं भी जानता हूँ हिम्मत ही नहीं है इतनी आगे ठीक है।
1,06,00,000 दोनों जो बोले हो ना उसे जमीन 1,0,00,000 अच्छा ये ठीक है ठीक हाँ दिल से निकलते हिंदी आगे क्या होगा भाई डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में भी समस्या है कि दो दो मशीनरी या फिर पहले ओल्ड करके लिख देते हैं, सॉरी पहले ओरिजिनल और फिर एडिशनल, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ओरिजिनल सब्सिडी माइनस होगा कैपिटल कॉस्ट में से, कैपिटल कॉस्ट में से सब्सिडी माइनस होगा, उस पर डेप्रिसिएशन वैसे भी नहीं लगा सकते, तो जगह नहीं है, यहाँ लिख देता। मशीन का कॉस्ट कितना, 1,50,00,000 मांगे, सैलवेज है कि नहीं, और कितने साल, 8 साल, 1,50,00,000 डिवाइडेड बाय 8, 18,75,000 और यहाँ भी 18,00,000 एडिशनल इक्विपमेंट था 12,50,000 माइनस था 1,25,000 और ये लगेगा 5 साल, थर्ड ईयर में लगेगा, आएगा कि नहीं आएगा, 2,25,000 और 2,25,000 जो घट के आएगा उसका नाम रहेगा PBT, पहले तो नेगेटिव ही आना है, नहीं तो सुनाई नहीं दिया ना यार, 2,00,000 नेगेटिव, अब पक्का नेगेटिव आना ही था क्योंकि शब्द ही लिखे थे ऊपर, ये भी नेगेटिव, अच्छा पॉजिटिव ना हो जाए। ₹87,40,000 अभी क्या आएगा टैक्स, जीरो, क्यों टैक्स, ये लॉस है कि नहीं है, नहीं है ये तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, इस साल आपको टैक्स लगने वाला कहां था ये बताऊं, आपका तो पहले से कोई बिजनेस है नहीं है, अगर होता तो बचता ना आपका, तो यहां सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड दिखाऊं या बिजनेस, जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत नहीं है, यहाँ टैक्स जाएगा जीरो। अगले साल सुनो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, कहीं दिखा देते, अगले साल यहाँ स्टार लगा रहा हूँ टैक्स,
पंद्रह लाख नौ हजार में से सेट ऑफ हो जाएगा 219,000 और इस पे लगेगा टैक्स का रेट कितना है, इस पे लगेगा 30,80,000 दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाली बात नहीं लिखी होती तो मैं यहाँ टैक्स सेविंग्स करवा देता, बस इजी हो जाता। हाँ, अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस होता तो आप कैरी फॉरवर्ड करते ही क्यों, इसी साल कर लेते पूरा। हाँ जी, ठीक है, तो एक नया पॉइंट ये है करने का। आगे 47 26,00,000 पास, ठीक है। ₹27,18,000 फिर नहीं 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 ऑलरेडी लिखा, कुछ नहीं लिखना। गलत है, चलो हम निकाल रहे हैं हम लोग CF80, ये 1, 2 तो 1-2 56,000 29,97,000 ये वाला कितना 80,38,5 84 सर, अगर हमारा दिल कर रहा है कि हम पैट निकाल के करें तो वैसे भी कर सकते, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के वापस डेप्रिसिएशन ऐड कर। आप क्या करें, एनपीवी खत्म, एनपीवी तो मांग रहा है, टेबल से करेंगे प्रॉपर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। सर ये क्वेश्चन है कहाँ वैसे आपके स्टडी मटेरियल में, कैलकुलेशन ऑफ, हाँ जी स्टडी मैट में ये क्वेश्चन। Year, present value factor कितना परसेंट के हिसाब से है क्वेश्चन में,
12%। अच्छा क्वेश्चन दूसरा देख लिया था क्या? कास्ट इंस्टीट्यूट ये समझे। कैसा उठ कॉस्ट ऑफ मशीन ओरिजिनल की मैं बात करूं, जीरो। आज मशीन में पैसा लग रहा है 1 और नेट लिख रहा हूं कितना, 1,50,00,000। 25,00,000 को यहीं से एडजस्ट कर दिया। एडिशनल इक्विपमेंट थर्ड ईयर के एंड का, हाँ जी, तो थर्ड ईयर के एंड का फैक्टर दिया होगा आपको शायद, बुक में चेक करो। पॉइंट 712 कितना, 12,00,000। अच्छा सर, 8,90,000 वर्किंग कैपिटल। जीरो जाएगा, 20,00,000 का 20,00,000 और तो कुछ नहीं लग रहा है, तो इसको टोटल मान लेंगे। कैश इन फ्लोस और सबसे पहला काम है CFAT वर्किंग नोट नंबर 1। फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा है, 16,56,000। सेकेंड ईयर 29,91,000 और थर्ड ईयर 8,038,500। मैं यहाँ कितना भी टाइम पास करूँ, मैं लाइन भी खींचूंगा, इधर उधर करूंगा, आप भी हिलोगे नहीं, आगे बढ़ जाओ, बढ़े आगे, यहीं रुक। 4 to 5 कैसा था मैं? हाँ 84,42,000। फैक्टर जोड़ के करेंगे, 4, 5 अलग अलग लिखते हैं या फैक्टर को जोड़ ले पाते, और फिर 6 to 8 54,18,000।
ठीक। अब फैक्टर बताते जाना ध्यान से, फर्स्ट ईयर का 89, 3, 797, 712, जीरो थ्री। मतलब मैंने फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का ऐड कर लिया, 1.33। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन सुनोगे ध्यान से, अगर बुक में नहीं लिखा हो तो फोर और फिफ्थ ईयर का फैक्टर जोड़ के कैसे निकल, कैलकुलेटर कैसे करते कैलकुलेटर, अगर बुक में नहीं लिखा हो, है ना, एमआरसी का मतलब करके बताओ, 1 डिवाइडेड बाय 1.12। ठीक है, चल ठीक है ना भाई, जरूरत पड़ी तो हमको आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करते जाते हैं। वन फोर सेवन डबल एट भाई, कैपिटल इन्वेस्टिंग में बड़ा बड़ा काम होगा। ठीक, आगे 23,88,906। ठीक है, 57,23,412। अच्छा आपने ऐसा लंबा ले गए क्या, 8,44, तो ये आ गया 101,55,726। सेवन थ्री एट फोर, 73। टू सेवन नहीं, मैं गलत नहीं, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर, अभी तो इसमें कहानी बाकी है, वर्किंग कैपिटल है, सेल्वेज है, बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने कैलकुलेट अभी मैं हमें आप बनाते जाएंगे, आप प्लस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यार पहले क्या लिखा जाए, वर्किंग कैपिटल की सेल्वेज, भाई दो चीजें और आना है ना यार, सेल्वेज भी आना, वर्किंग कैपिटल सेल्वेज आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा एडिशनल, तो सेल्वेज आएगा तो कैपिटल गेन भी आएगा कि नहीं आएगा, वो आप जानो, मैं वर्किंग कैपिटल लिख रहा हूँ, मैं वर्किंग कैपिटल, बाकी आप देख लेना उसके विषय में बताना, पहले वर्किंग कैपिटल तो निपटा रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आठवें साल में आएगा, आठवें साल का फैक्टर 0.404, और कितना आएगा यार वर्किंग कैपिटल का, 30,00,000। एट जीरो एट ट्रिपल जीरो। अच्छा आपने तो सब टोटल वोटल मार के एनपीयू निकाल कर कैलकुलेटर रख दिया। अच्छा और फिर इसका अलग से कर दिया, चलेगा वो। और एक आएगा सेल्वेस, मेरा फिर से क्वेश्चन है, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, सोच लो। हाँ तो बुक वैल्यू जीरो हो गए हैं, पहले वाले में तो खेल खत्म है, पहले वाले का दूसरे वाले, हाँ सेल्वेज 1.25 है, अच्छा सेल्वेज भी 1.25 है और बुक वैल्यू भी 1.25 ही आएगी,
कि बुक वैल्यू जीरो आएगी, आएगी ना, तो सैलवेज भी 1.25, बुक वैल्यू भी 1, मतलब कैपिटल गेन नहीं आएगा, तो मतलब सैलवेज ही आपका टर्मिनल वैल्यू और सैलवेज एक ही बात। हाँ चलेगा ना, मैं कम मना कर रहा हूँ, 8.40। हाँ क्योंकि जो पैसा लग गया आज, जब प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा तो वो जो वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसा है पूरा की पूरा रिकवर हो जाएगा, इसलिए मेरा कैश इन। बारह पचास नहीं यार, 1.25 है। फाइव टोटल करे, हाँ पक अब टोटल कर सकते हैं। टू सेवन 9897 8 बी माइनस ए कर लीजिए, एनपीवी आ जाएगा। वन बुक कहाँ है बताओ, नंबर ऑफ यूनिट्स वगैरह सब सही लिए हो ना आप लोग? एक बार मैं देख लेता, 1,78,000 नहीं। तो ये किसने कहा कि जो बुक में आंसर होगा वही सही होगा? मैंने तो नहीं कहा। एक बार वही चेक कर लेते। फिक्स कॉस्ट 18,00,000 पर एनम, ठीक है। एस एस तो मुझे इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि हमने कोई गलती किया हो। नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो ये आंसर अगर कुछ गलती होगी तो मैं बता दूंगा आपको, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, पर हो सकता है कि आंसर ही इसमें मिसप्रिंट हो गया हो, मे बी सॉल्यूशन रखा हो, तो मैं आपको सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर दूंगा। बाकी और कोई कॉन्सेप्चुअल कहीं भी गलती नहीं, ठीक हो जाए। हाँ कॉन्सेप्ट सब सही लगे, में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, ये तो वापस ढूंढने ही है ना, तो उसमें हमारा आधा घंटा चला जाएगा कि कहाँ गलत। नहीं गलती होने के कोई ये सही निकाला है ना भाई, 1.203 पक्का, और ये भी सही निकाला होगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है एक बार देखोगे, सही तो है यार, 7384 7 3 4। हाँ सबने 3 4 ही लिखा हो।
ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। कॉन्सेप्चुअल कहीं कहीं कोई गलती नहीं है, मैक्सिमम अगर हो सकता है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। मतलब हाँ तो हाँ उतना चलता है अगर रुपीजन लैक्स में है। होमवर्क बस क्लास के बाद करेंगे हम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे चल रहा है और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन में पहुंचा तो एक आध फिगर में अगर चेंज आएगा तो हम देख लें। क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क है। सर इसका आंसर दिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 23 पे जाइए, इसका आंसर मैंने नहीं दिया है पर जो मैं व्हाट्सएप में डालूंगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं डालने वाला हूँ, सिर्फ आंसर डालूंगा। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था वैसे ही क्वेश्चन, इससे पता भी लग जाएगा कि क्या गलतियां हुई होगी। बस इसमें सब्सिडी नहीं है, इसके अलावा सब सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड करते हैं, अगर आपको ऐसा लगेगा कि होमवर्क दे देना है तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, अगर लगेगा तो पढ़ते हैं। नहीं, एक दो क्वेश्चन ही दूंगा मैं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है यार? 2 लाख। ठीक है, लाइफ है 5 साल, सैलरी 0 है। The expected profit after depreciation but before tax, मतलब पीबीटी, ये तो बात सही। अब पीबीटी दिया हुआ, प्रोजेक्ट विल बी डेप्रिशिएट ऑन द रेट ऑफ 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। कॉस्ट पे मतलब ऐसे ले मोग। और टैक्स का रेट कितना है? 30%। आपको क्या निकालना है? पे बैक पीरियड निकालना है और एआरआर निकालना है, निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एनपीवी निकालना है और एनपीवी इंडेक्स मतलब पीआई निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। और इसके अलावा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना है और डिस्काउंटिंग रेट कितना दिया है? 10%। 10% तो निकालोगे, उसके बाद ध्यान से देखो कितना दिया, आंसर देखकर। लेकिन सुनो, अगर ये नहीं दिया होता तो आपकी तो बैंड बज जाती। 10 से किस पे पहुंचते? 15, खेल खत्म, 20 25 30 35 आए थे तो पक्का टेस्ट में पता लगेगा। मैं वहीं से साइड में बैठूंगा, मैं देखता हूँ ना कैसे पता लगाते। सही बात। तो क्या होमवर्क दे देना चाहिए? यस, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ मशीन के वैल्यू चाहिए, हाँ सेल। तो टर्मिनल वैल्यू आएगा 0, जीरो आएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आईसीएआई का फेवरेट क्वेश्चन आते रहता है क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग टू परचेस अ डायग्नोस्टिक मशीन कॉस्टिंग 80,000। तो कोई हॉस्पिटल है और 80,000 की मशीन खरीद रहे हैं, ठीक। और लाइफ कितने साल है और सेल्वेज वैल्यू कितनी है? 6,000। मशीनरी खरीदेंगे, 80,000 की मशीन है, 8 साल चलेगी, 6,000 रुपए में बेच देंगे। द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मशीन 7,500। यार मशीन खरीदोगे तो चलाने का भी तो खर्चा है। इट इज एक्सपेक्टेड अ जनरेट रेवेन्यू 40,000 पर ईयर फॉर 8 years। मतलब जो मशीन हम खरीदेंगे, डायग्नोस्टिक वर्क होगा, ब्लड टेस्ट वगैरह, तो उसके हिसाब से आप 40,000 रुपया कमाओगे हर साल पर, 7,500 रुपए का खर्चा। ठीक। प्रेजेंटली द हॉस्पिटल इज आउटसोर्सिंग द डायग्नोस्टिक वर्क एंड इट इज अर्निंग कमीशन इनकम ऑफ 12,000 पर एनम नेट ऑफ टैक्स। क्या कहना चाहते हैं यार? मालूम है हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं आप ये टेस्ट करवा लेना, वहीं खोता है कि कहीं और पहुंचाते, वो बता भी देते कि कहाँ जाना है करके। ऐसा क्यों करते, वो बताते क्यों है कहाँ जाना है करके? ये काम था, इनके पास तो मशीन थी नहीं, तो इनके पास मशीन नहीं थी तो भाई साहब बाहर पहुंचाते थे, आउटसोर्स करते थे, तो कितना कमाते थे? 12,000। लेकिन अब तो मशीन खरीद लिया, तो वो जो 12,000 रुपए कमा रहे थे कि आप कमा पाएंगे, जो कमाएंगे वो तो इससे कमा रहे, लेकिन वो 12,000 रुपए अब तो बंद हो गए ना यार, तो ये भी तो कॉस्ट है। इसका नाम होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ अपॉर्चुनिटी। नेट ऑफ टैक्स का मतलब बोल क्या रहा है यार? कि यार जो मैं ना 12,000 में कमा रहा था उससे ज्यादा कमा रहा था, टैक्स वैक्स कटने के बाद 12,000, ठीक है? वो बाद में सोचेंगे कैसे करना है इसका। अब मैंने कहा ना बाद में सोचेंगे, बाद में सोचेंगे। तो बताइए मशीनरी परचेस करना चाहिए कि नहीं? कौन कौन सा मेथड है? एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई, डिस्काउंटिंग रेट 10%। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आता है, रिपीट होते। तो सर सबसे पहले काम क्या किया? सीएफएटी, ये बताओ कि मशीनरी खरीदने से हर साल का रेवेन्यू कितना है? 40,000। हर साल का अलग अलग तो नहीं है ना यार? नहीं। और डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? एसएलएम, ठीक। भाई भाई समझने की कोशिश करो मेरी बात। अच्छा ठीक है, SLM हो चाहे WDV हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैक्स का रेट कितना है? नहीं दिया भैया, तो आप SLM बोल दो चाहे WDV बोल दो, क्या करोगे डेप्रिसिएशन को? कुछ नहीं। डेप्रिसिएशन घटाते क्यों थे? ताकि टैक्स का अमाउंट, टैक्स का रेट नहीं दिया है तो मतलब ही नहीं। तो सर हम एज्यूम कर ले कि टैक्स क्यों भाई जबरदस्ती क्यों? चलो सबसे पहले रेवेन्यू लिख कितना, 40,000 माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना? 7,500 माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12,000, बस।
आ गया। बीस हजार 500, यही सी एफ बी टी है, यही सी एफ ए टी है, बात खत्म हो गई। अभी एनपी भी निकालना है, एक ही लाइन में खत्म कर रहे हैं कुछ। पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, तो 20,500 कितने साल तक आएगा? ये कैसा है यार, सात साल कैसे लिखा है भाई? मतलब इफेक्ट ईयर मिसप्रिंट है क्या? आजकल तो आप समझदार हो। तो यार एक काम करो, 8 साल का मिलाकर फैक्टर बता दो मुझे, 8 साल का फैक्टर बता दीजिए। फोर पॉइंट फोर टू फाइव, प्लस सैलवेज है क्या 6,000, ये भी तो आएगा। बाप रे बाप, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती? 5.33 और दिया हुआ है, तो जो दिया उसको चैलेंज नहीं करेंगे। ठीक, चलो लास्ट में 6,000 भी तो मिलेगा सैलवेज का। अच्छा टर्मिनल वैल्यू, टैक्स का रेट ही नहीं दिया ना भाई, 6,000 इंटू क्यों सोच में पड़ जाते हो आप सब? 0.467 और माइनस 80,000, बत्तीस हजार 149 ही आंसर, ठीक कर लेना, दोनों ही ठीक कर लेना। बत्तीस हजार 149 100% गलत है, ये आंसर किसी और क्वेश्चन का छपा होगा 100%। अब क्या निकालना? पीआई, पीआई का फॉर्मूला तो मालूम है हमको। अभी मशीन खरीदना चाहिए कि नहीं एनपीवी के हिसाब से? यस, एनपीवी इज पॉजिटिव। पीवीसीआई डिवाइडेड बाय 1.40 तो पीआई के हिसाब से यस या नो? यस, क्यों? पीआई इज मोर देन जब आप होमवर्क करते हो तो मैं बार बार यही कहूंगा कि एक बार बनने के बाद ना
अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो एक बार ग्रुप में जरूर डाल देना, उसको वापस करोगे टाइम का बेकार होगा, क्वेश्चन आंसर ही गलत होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि ये एक आध क्वेश्चन है, वैसे थोड़े से क्वेश्चन है जिसमें गलतियां हैं। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है मालूम है, आप ना इसमें ना क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, टैक्स, और टैक्स का रेट ही नहीं दिया है। पर अगर टैक्स का रेट दे देता तो क्या होता, चलो तो बेटे बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने कहा ना ये एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन, आरटीपी में डला था नवंबर 2022 में, क्वेश्चन नंबर 19, टैक्स का रेट है इसको कैसे हैंडल करोगे ये इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 19। केकेएमएम हॉस्पिटल, ठीक है, कौन सी मशीन खरीदने का सोच रहे हैं, एमआरआई, और अभी तक काम खुद से नहीं करवाते थे, आउटसोर्स करते थे, जिसपे कमीशन की कमाई कितने की होती थी, और शब्द क्या लिखा है, नेट ऑफ टैक्स, उसका मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और कुछ डिटेल्स दे रखा है, कॉस्ट दिया है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम। अब सुनो इस पे फोकस किया, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, मतलब यहाँ डेप्रिसिएशन का रोल है, रेवेन्यू दिया है, सैलरीज दिया है, एक्सपेक्टेड लाइफ मशीन दिया, टैक्स का रेट है 40%, बताइए वही चीज है सारी की सच, तो बीच में कौन सा रेट आ गया, टैक्स। चलो सबसे पहले क्या निकाले, सीएफएटी, हाँ वो तो अब हमको कमीशन नहीं मिलेगा ना यार, उसको भी कंसिडर, तो बताओ हमें रेवेन्यू कितना हो, 45 लाख, इससे माइनस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, ₹14 लाख, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस होगा कि नहीं, पिछला भी क्वेश्चन किया है, हाँ हाँ मेरी बात समझ, अगर हम यहाँ माइनस करते और बाद में टैक्स, तो मतलब यार वो नेट ऑफ टैक्स ऑलरेडी है, और टैक्स माइनस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार, करेंगे माइनस पर पहले टैक्स वैक्स सब हो जाए उसके बाद करेंगे, आया समझ में, इनका ये कहना सर सुनो ना टाइम पास क्यों कर रहे हैं, हमारे पास एक आइडिया है, और वो आइडिया ऐसा है कि 6,60,000 नेट ऑफ टैक्स है, तो इसको डिवाइड कर दो कितना है, कितना 60% से, तो वो निकाल लो बिफोर टैक्स और फिर माइनस कर दो तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ऐसे भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना यार, ये तो टैक्स कट के है तो उसका ग्रॉस अप कर दिया मैंने, ठीक ठीक हम प्यार से क्वेश्चन बना रही है इतने रिटर्न माइनर। तो ये आ गया हमारा सी एफ डी टी, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, ₹31 लाख, इसमें से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन,
16 लाख पक्का ना? 16 लाख। तो ये जो आ गया पीबीटी आ गया। पंद्रह लाख टैक्स आ गया, टैक्स का रेट है 40%। ये लाख सीएफटी को 1 ले लिया, टैक्स को 2 ले लिया, तो सीएफटी आ गया। पच्चीस लाख और एक चीज माइनस करने का बाकी रह गया इसमें, माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 6,60,000। तो इसका नाम क्या है? इसका भी नाम CFAT ही बोल दो, कोई फर्क नहीं। CFAT आफ्टर एडजस्टमेंट ऐसा कुछ लिखना तो लिख सकते। अब तो हो गया, अब तो NP भी निकाल सकते हैं ना। चलो यही निकाल, NPV इज इक्वल टू PVCI। मतलब 18,40,000 इंटू, क्या पूरे 5 साल का फैक्टर लेना पड़ेगा? यस। कितना आ रहा है? 3.789। अच्छा, इसको टोटल और लास्ट में कितना आएगा? सैलवेज, सैलवेज कितना था? 10 लाख। 620 और मशीन है कितने की? 90 लाख। लाख 8,240 नेगेटिव। ये तो है 6,40,660, यहां माइनस कर दिया। नेट ऑफ था इसलिए, नहीं तो फिर यहां माइनस कर। चौदह लाख 8,240 नेगेटिव है, नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर देंगे। और नो डाउट PI 1 आएगा कि 1 से कम कि 1 से ज्यादा? कम ही आएगी। निकाल दीजिए PI। अब PI के हिसाब से भी क्या करोगे? रिजेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है इसलिए ठीक है, ये तो याद हो गया। बस इतना है कि इस पर फोकस करना कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ से माइनस करना। एक बात पूछ रहा हूँ, अगर ये ऐसा नहीं लिखा रहता नेट ऑफ टैक्स तो फिर कहाँ से, फिर यहाँ से माइनस कर। होमवर्क अच्छा
मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके सिर्फ एफएम की क्लास चल रही है, वही वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, वही मशीनरी खरीदना है, हॉस्पिटल है, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और वही नेट ऑफ टैक्स है। ठीक, हाँ ये बस ये कर लेना, ये तो इसके बाद नहीं होगा, ये होमवर्क। इसमें आंसर आंसर नहीं दिया है तो आपस में हम डिस्कशन कर लेंगे ग्रुप में, एक सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा, आपको आंसर जरूर बता दूंगा कि कौन। हाँ सिर्फ होमवर्क, एक बार होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ठीक है यहीं बनाएंगे, लगेगा तो ऐसा नहीं है, आप जैसे बोलो। होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 12%, टैक्स का रेट है 30%, दो मशीन है, 10 लाख 15 लाख, 5 साल 6 साल, एनुअल इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, और मेथड है एसएलएम, तो हर साल का सीएफईडी एक जैसा आएगा, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड, एनपीवी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बनाए आपको अपनी इंसल्ट नहीं लग रही है कि यार बताओ सर ये क्वेश्चन आप बनवा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको ऐसा बोलना चाहिए। हाँ तो फिर क्लास ओवर, पार्टी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मौका कहाँ चलना है बोलो खाने। चलो होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, कल दूंगा इसको पेंडिंग। हे भगवान, ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आप ये भी नहीं मांगोगे आप, चलो कोई बात नहीं। अरे यार ये क्वेश्चन नहीं करोगे कैसे हो सकता है, 2021 10 नंबर हद हो गई यार, 10 नंबर का क्वेश्चन आया था जो, और मांगा क्या था, एनपीवी, डिस्काउंटिंग पे पीआई। नहीं 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 दे रहा हूँ, कल के लिए बचा के रखा हूँ, टेंशन मत लीजिए। ये कब आया था यार, मई 22 में। चलो आज की क्लास इस क्वेश्चन के बाद ओवर कर, ठीक, होमवर्क नहीं, होमवर्क उतना ही रहेगी क्योंकि उसके बाद जाना भी है, कहाँ चलना आप लोग अभी आधा घंटे में डिसाइड कर लेते हैं, 10-15 मिनट है हमारे। पढ़े, अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर का, 18 मिनट का टाइम है हमारे पास, आराम से हो जाएगा 5 बजे से पहले का। लिखा है, ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि यहाँ का क्वेश्चन है, सीएमए कोर्स होता है उसमें फाइनल में भी ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अच्छा। अठारह मिनट का टाइम होता है आपके पास और 18 मिनट से पहले पहले क्वेश्चन हो जाता है। तो लिखा है अल्फा लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर, इट वांट्स टू इंट्रोड्यूस एआई व्हाइल मेकिंग कंप्यूटर, ठीक है, द एस्टिमेट एनुअल सेविंग्स, सेविंग्स होगा अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करोगे तो, ठीक, किस किस चीज की सेविंग होगी सुनना ध्यान से, आप कंप्यूटराइज करना चाहते हो, बस इतनी सी बात है कि सिस्टम को आप कंप्यूटराइज करना चाहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बोले आपको जो 5 employees है, एक्चुअली क्वेश्चन गलत फ्रेम है, पहले जो मैनुअल वर्क हो रहा था उसको कंप्यूटराइज करना चाहते, मेन मुद्दे की बात यह है, उन्होंने कहानी कुछ और रखी है, मैनुअल वर्क था कंप्यूटराइज करना, उसकी वजह से जो 5 employee थे जिसकी सैलरी कितनी थी 3 लाख, उनको भगा देंगे क्योंकि कंप्यूटर से काम हो रहा है, सेविंग हो गई, बताओ कितने की सेविंग्स हो रही है साल भर की, 5 employees थे, 3 लाख रुपए मंथली है कि एनुअल है, एनुअल लिखा है, तो बोलो कितने का सेविंग हो रहा है 15 लाख, ठीक है, और जो प्रोडक्शन डिले होता था पहले, स्टॉक नहीं रहता था, प्रोडक्शन डिले होता था, अब नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटराइज काम होने लगा है, तो उससे कितना पैसा बचेगा 3 लाख रुपए,
सेल्स मतलब होता क्या था, कस्टमर आते थे, नहीं कस्टमर आते थे, कस्टमर आते थे तो कभी कभी हम बोलते थे वो हो यार स्टॉक में नहीं है, पता ही नहीं लगता था स्टॉक में खत्म हो गया और हमको तो बोले अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टॉक आउट वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो आपका जो पहले सेल्स का लॉस हो जाता था अब नहीं होगा, सेल्स आपका होगा प्रॉपरली। तो बोलो वो भी तो बचत हो गई आपकी कितने की, 2.5 लाख, और टाइम पे बिलिंग तैयार होने लगा, और उससे भी फायदा, टाइम पे बिल तैयार होने से कैसे फायदा, नहीं जीएसटी के अलावा भी ये तो मैं करवाऊंगा आपको, एक चैप्टर आएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उसमें करवाऊंगा यार, करोड़ों के बिल बनते हैं और हम लोगों को देते कि भैया 10 दिनों के अंदर पैसे दे देना, आज बिल बना तो कितने दिन में पैसा मिलेगा, 10 दिन, पर आज बिल ही नहीं बना पाया, 2 दिन बाद बिल बना, तो वो जो 2 दिन का ब्याज है ना आपको, वो आपका लॉस हो गया ना यार सीधी सीधी, वो सब मिलाकर है, वो कैलकुलेशन है उसका, वो वहां सीखेंगे, पर उसका उसका भी तो टाइम पे बिल बन जाएगा, तो कितने का फायदा, 2 लाख। तो इस तरह से हर साल टोटल हमारा कितने का फायदा होगा, 22,50,000। पर इसके लिए सिस्टम खरीदना पड़ेगा, कितने का आएगा सिस्टम, 20 लाख, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये क्या होता है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, अच्छा वो उस पर कैपिटलाइजेशन हो जाता है ना, थैंक गॉड, 1 लाख सर, मतलब बिल्कुल ही आप ऐसा समझते हैं हमको, 21 लाख। तो कॉस्ट ऑफ सिस्टम कितना है, 21 लाख, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, 80% ऑफ परचेस प्राइस विल बी पेड इन द ईयर ऑफ परचेस, और बचा हुआ पैसा पेमेंट कब करोगे, नेक्स्ट ईयर, तो अभी इस साल अभी कितना पेमेंट करोगे, 16 लाख, मतलब 21 लाख का, 20 लाख, 80% किसका, यार 20 लाख का 80% अभी पैड हो रहा है कि 21 लाख का 80% अभी पैड हो रहा है, पक्का सही बात है, वो जो इंस्टॉलेशन के लिए आ रहा है लेबर वगैरह उनको भी कहेंगे अगले साल आना, वो अच्छी बात नहीं है, तो सीधी सी बात है, ठीक है सर, मतलब 20 लाख का, कुछ बच्चों का कहना सर ये परचेस प्राइस लिखा है, तो परचेस प्राइस एक्चुअल में तो 20 लाख। आगे चलते हैं, लाइफ ऑफ मशीन दिया है 5 साल और डेप्रिसिएशन का मेथड है, SLM, However, the operation of the new system required 2 computer specialists, भाई कंप्यूटर खरीद लो, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट कितना, मतलब एक्स्ट्रा ये 2250 का सेविंग्स है, ठीक है, लेकिन 2 computer specialists रख रहे हैं तो आपका खर्चा भी तो बढ़ गया, कितना, 10 लाख हर साल का, ठीक। इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट भी 5 साल का, पहले साल 2 लाख, फिर 180, फिर 160, 140, 120, ठीक है, मतलब इसमें से वो भी माइनस करेंगे, ओ क्या शब्द लिखा है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर पेबल इन एडवांस, ये इन है का मतलब, ये 2 लाख रुपए कब पेड हो रहा है, आज, और ये फर्स्ट ईयर के एंड, यहाँ फैक्टर क्या आएगा, फर्स्ट ईयर का फैक्टर, ठीक 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 ठीक, संभाल रहा सब, कोई दिक्कत है, और टैक्स का रेट है 30% और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 15%, और आपको क्या निकालना है, एक तो निकालना है NPV और एक निकालना है PAT, हर साल का CFAT अलग अलग आएगा कि एक जैसे, टोटल 5 ही साल है ना प्रोजेक्ट की लाइफ, प्रोजेक्ट की लाइफ, हाँ 5 ही साल है, तो हर साल का CFAT एक जैसा आएगा कि अलग अलग है, ये अलग अलग है ना बच्चे, तो अलग अलग ही आएगा, ठीक है,
इस क्वेश्चन में एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं इसको अभी नहीं करवा सकता, उस वो वजह है ये, पर उसका कॉन्सेप्ट जरूर समझा दूंगा कि क्या चक्कर है, पहले वो सुन लो अच्छे से क्वेश्चन, भले कल आराम से क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बस मुझे हेल्प करोगे। सपोज इसको भूल जाते क्वेश्चन को, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, अगर मैं कहूं कि टोटल मिलाकर हमारा आया था ये सेल्स, मान लेता हूं सेल्स, ऐसे मन से लिख रहा हूं, 20 लाख, और ये ले लेते हैं 24 लाख, और ये ले लेते हैं 28 लाख, ठीक है। उसमें से मैं वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर दिया, और वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं 10 लाख, और यहाँ 12 लाख, और यहाँ 14 लाख, ठीक है। अब यहाँ की बात करना, ये मान लो भूल जाओ कि 5 साल है, मान लो 3 साल है, अब मुझे ये माइनस करना है 2,81,000 और 160, तो बताओ पहले साल कितना माइनस करूं, तो समझ के बोलना, 2 लाख माइनस करूं कि 1,80,000 माइनस, 3,80,000 कैसे, ये वाला पेमेंट कब हो रहा है, ये क्या लिखा है, फर्स्ट ईयर का बिगनिंग की फर्स्ट ईयर का एंड, एंड ये फर्स्ट ईयर का एंड, ये सेकंड ईयर का एंड, ये थर्ड ईयर का एंड। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 2 लाख रुपए यहां से माइनस होगा कि नहीं होगा, और ये 1,80,000 यहां से माइनस, मानते हो आपको, तो माइनस करेंगे कितना, 2 लाख, और यहां से कितना माइनस करोगे, 1,80,000, माइनस कितना हो जाएगा, 1,60,000। रुक जाओ अभी 2 मिनट का टाइम दो, अब ऑटोमेटिक बस में जाएगी, 20 लाख माइनस 10 लाख माइनस 2 लाख करो कितना आ रहा, 20 माइनस 12, 8 लाख, 8 लाख का टैक्स निकालो कितना परसेंट, 30% के हिसाब से निकाल लो, पता नहीं यहाँ कितना, 30%, 2,40,000, बताओ 2,40,000 करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 5 लाख माइनस करूंगा यहां, प्लस कर दूंगा 2 लाख, और यहां से माइनस करूंगा 2 लाख। अब समझने की कोशिश करो बिल्कुल ध्यान से, ये 2 लाख मैंने माइनस किया जो कि गलत है, आप भी जानते, यहां से कितना माइनस होना चाहिए, माइनस यहां से कर दूंगा 81,000। अब मैं क्यों समझा रहा हूं, बस समझने की कोशिश करो, ये जो 2 लाख है ये पेट कब हो रहा है, बिगनिंग में, एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मतलब नहीं है कि अब कब पेमेंट करो, मतलब ये है कि अगर इस साल का है तो इसी साल के एक्सपेंसेस में, और इनकम टैक्स वाला एक्रुअल से चलता कि कैश से, एक्रुअल तो टैक्स जो लगेगा वो तो एक्रुअल के हिसाब से लगेगा, तो मैंने बेकार में 2 लाख माइनस किया, क्यों, क्योंकि टैक्स के हिसाब से, और फिर मैंने वापस इसको क्या कर दिया, 2 लाख प्लस, और आप क्या बोल रहे थे क्या माइनस होना चाहिए, 81,000, तो वापस 81,000 माइनस किया। एफएम में हम कैसे चलते हैं, शर्त ये है, एफएम में कैसे चलते, टोटल कैश पैसा, लेकिन यार टैक्स वाले को तो एक्चुअल टैक्स देना पड़ेगा उसका जितना, तो वो भाई साहब बोल रहा है कि नहीं आप ऐसे करो, तो फिर तो सीधा 81,000 माइनस करता हूं, आप जो बोल रहे हो वो सही है, सिर्फ ये टैक्स की वजह से हम फंसे, इसलिए मैंने रुकवा दिया। तो सर मतलब अभी आज नहीं कर पाएंगे, आज बस समझा है हल्का हल्का, कल इस क्वेश्चन को करेंगे, तो इसमें अगर, अच्छा एक बात और पूछ लेता हूँ पता नहीं सर, मुझे बताओ मशीनरी का पेमेंट आज कितना होगा, यहाँ बता दो आज कितना होगा, आपने निकाला था कुछ, सत्रह लाख आज कितना होगा, 17 लाख, और बचा हुआ पेमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में कितना, 4 लाख, टोटल 21 लाख है ना यार, तो पहले साल डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा,
मेरा क्वेश्चन है, पहले साल फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 17 लाख पे लगेगा कि 21 लाख पे लगेगा, है ना? किसी का एक्स्ट्रा तो दिमाग नहीं चल रहा है ना? हाँ ठीक 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 चलो चलो ठीक, कल डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, और शायद मैंने होमवर्क रोक दिया हूँ, कल दूंगा बचा हुआ होमवर्क, ठीक।